बढ़ती कोरोना महामारी के बीच राजस्थान सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। विवाह समारोह में 50 से अधिक लोगों के शामिल होने पर आयोजकों का चालान किया जा रहा है और उनके खिलाफ पुलिस केस दर्ज कर रही है। इसी बीच भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक राजकुमार रोत परिणय सूत्र में बंधे, लेकिन दुखद बात तो ये रही कि विधायक की शादी में कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। ना तो समारोह स्थल को सैनिटाइज किया गया और ना ही 2 गज की दूरी का ख्याल रखा गया। रविवार को विधायक के विवाह समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि विधायक राजकुमार रोत की शादी डूंगरपुर जिले के कुशाल मगरी क्षेत्र में विवाह हुआ है। आसपास के गांवों में गाड़ियों में लोगों को विवाह समारोह स्थल पर पहुंचाया गया, बैंड बाजों से बारात निकाली। विधायक घोड़ी पर चढ़े तो उनके पीछे बड़ी संख्या में लोग बारात में चले, लिहाजा दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर प्रशासन ने विधायक के ससुर पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कोरोना काल में की गई विधायक की शादी और नियमों के उल्लंघन पर लगाए गए जुर्माने का ये मामला सोशल मीडिया में भी छाया हुआ है। आदिवासी परंपरा के अनुसार विधायक ने ढोल मंजीरे बजाए, अधिकांश लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा था, सामूहिक भोज का आयोजन भी हुआ। खुद के विवाह समारोह में भीड़ जुटने पर जब विधायक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कुछ खास लोगों को बुलाया गया है, बाकी लोग अपनी मर्जी से आ गए तो उन्हें रोका तो नहीं जा सकता। आखिरकार मैं जनप्रतिनिधि हूँ, रोत का विवाह सरकारी स्कूल में टीचर गीता के साथ हुआ है। इस मामले में जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने जानकारी कराने और सत्यता पर आवश्यक कदम उठाने की बात कही। हम आपको बता दें कि कलेक्टर ने एक दिन पहले शनिवार को ही जिले के जनप्रतिनिधियों व सर्व समाज के लोगों के साथ बैठकर विवाह समारोह में भीड़ एकत्रित नहीं करने और डीजे पर रोक की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दी फैक्ट इंडिया।